मथुरा पहुंचे आकाश आनंद ने बीजेपी और सपा व कांग्रेस पर सदा निशाना खूब सुनाई खरी कोठी। मथुरा लोकसभा चुनाव के लिए अब चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। अब बहुजन समाज पार्टी के अहम चेहरे भी अपने प्रत्याशियों के लिए रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार को बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मथुरा पहुंचे। आकाश बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में जनसभा की मथुरा में मंच से जय भीम के नारे के साथ। आकाश आनंद ने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज हमारे गुरु ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उन्हें नमन। उन्होंने आगे बसपा मुखिया मायावती का धन्यवाद किया और कहा कि बहन जी ऐसी मिसाल हैं जिनसे प्रेरणा लेकर लोग सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हैं, मैं भी उनके पदचिन्हों पर चल रहा हूँ। आकाश आनंद ने मंच से कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहा, इस चुनावी लहर में हमारा दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है, आपको इन्हें पहचानना जरूरी है। ये आप पर कभी सामने से वार नहीं करेंगे बल्कि ये हमारे बीच आकर गुमराह करेंगे। ये लोग भी नीला पट्टा पहनेंगे लेकिन जब बात आपके नेता के लिए आएगी तो दूसरों की तारीफ करेंगे। आकाश आनंद ने कहा कि जो बहन जी के खिलाफ बोलता है वही इस मूवमेंट के खिलाफ है। सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने कहा कि राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी छीन रहे, ये जब युवा नौकरी के लिए परीक्षा देता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सरकार को बहाना मिलता है। परीक्षा रद्द करने का 65% स्कूल में कंप्यूटर नहीं है और जहां हैं उनमें 25% से ज्यादा में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आकाश आनंद ने कहा कि नौकरी के नाम पर सरकार ने भटकाया और हमें कटोरा थमाया, अब हम बदले में उन्हें कटोरा देंगे। राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी छीन रहे, ये असली गद्दार। अगर गुजरात मॉडल यही बोलता है तो हमारी बहन जी का मॉडल बहुत अच्छा है। ईट के मैदान में जो है ईट का मैदान को आज यहाँ पर सुरेश कुमार जी को बसपा से चुना है, यहाँ पर मायावती बहन जी ने उनको टिकट दिया है मथुरा वृंदावन। आज पूछ रहे हैं आज के जो यहाँ पर हेमा मालिनी भी यहाँ पर उतनी है, 10 साल में क्या करा है हेमा मालिनी का कुछ जान लेंगे। देखिए उनको विश्वास था कि मथुरा में लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और मथुरा उनको लगा सांसद भीन है। मेरा संबंध मानी बहन जी से 25 साल से है, जब मैं अधिकारी था तो सभी नेताओं से मुलाकात होती रहती थी। उन्होंने मुझे खुद बुलाया, बुला के मुझे बोला कि सुरेश जी आप जाइए मथुरा के मैदान में, मथुरा को मुक्त कराइए, वहाँ से भाई लोगों भगाइए और आप जाके सांसद बनिए और मथुरा का विकास कराइए और हमेशा हम लोगों के बीच में रहिए। 10 साल से सांसद है, उनने क्या किया? और आपकी बात हमारी आदमी नहीं चाहिए, ऐसा है 4 से 5, कोई बोलता है 4 से 5, कोई बोलता है 4000 पार। आपने सुना? नहीं सुना था? किसने बोला? 4000 पार बोला। 400? नहीं नहीं, 4000 पार। नीतीश कुमार जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला इस बार 4000 पार सीटें टोटल। अब आएगा 4 लाख पार, ये चलता रहेगा। तो हम तो देखिए ऐसा है, हम जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। नेता का काम वायदा करना होता है, खराब तो नहीं करवा एक देखे ना। हम जो बोलेंगे अपने शब्द के वो हैं, तो दूसरे सुनने वाले हैं होगा तो आप मुझे पकड़ सकते हो। भारी आदमी कहाँ पकड़ोगे बताइए आप ना। तो विकास कितना हुआ है, आप यही रहते हो, आप देखिए क्या क्या करना है वो मैं देख रहा हूँ, इसमें बनता हूँ, मुझे आशीर्वाद मिलता है गरीबवासियों का, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। 10 साल से जमुना शुद्ध नहीं हो पाई है, जो 10 साल से जमुना शुद्ध नहीं हो पाई है। ये नारा उमा भारती जी ने बोला था, नारा दिया था ना, गंगा जी साफ होगी और जमुना जी भी साफ होगी, वो खुद साफ हो गई। ठीक है, अब ये नारा इन्होंने दिया था जमुना जी को साफ करेंगे, 10 साल हो गए। आप लोग पत्रकार बिंदु ने पूछा जाए जा रही थी नामांकन करने, कितनी जमुना साफ हो गई है, तो रहती जल्दी थोड़ी हो जाएगी 50 साल से। तो 50 साल से मेरी सरकार, मैं आपका सांसद बनता हूँ, मेरी सरकार बनती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यमुना भाषा में साफ होगी। याद है मैं सांसद ही बन के जाता हूँ सिर्फ वहाँ पे, तो आपकी लोकसभा में आवाज गूंजेगी और हर ब्रजवासी के कानों में पड़ेगी कि हमारा सांसद है जो हमारी बात को बहुत तेजी से उठा रहा है। मतलब ब्रजवासी की जनता को लिए क्या क्या पहला मुद्दा? मेरा ये मुद्दा रहेगा, सबसे पहले मुझे जिताइए, मुझे वोट दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं आपकी समस्या का सब समाधान करूंगा, मैं आपके बीच में रहूंगा। लोकल के इसलिए लोकल जनता के क्या लोकल मांग लोकल के बीच में रहेंगे जनता। देखिए सब लोग चाहते हैं,
सभी लोग चाहते हैं कि आदमी अपने पास रहना चाहिए, दुख सुख में साथ रहना चाहिए। एम्स में भर्ती होना है, लेटर चाहिए सांसद का, कहाँ से ढूंढेंगे सांसद को, कहाँ जाओगे बताओ, आपको मिलेगा कोई आदमी? नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे फ़ोन करेंगे मैं आपके पास आऊँगा, लेटर रेडी रहेगा, चलिए फ़ोन करूँगा, कहाँ पे जहाँ भी जाना है ये काम होना है। तो इसलिए ये विश्वास दिलाऊंगा मैं आपका हूँ, अपना हूँ, प्रजवासी हूँ, आपकी सेवा में अवसर हाजिर रहूँगा, इसलिए मुझे जिताएं, मुझे आशीर्वाद। समाज के लोग तो जिस तरीके से यहाँ पे आज भीड़ हो गई है, हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से सर मेरठ में जानकारी आ रही है कि बसपा के सांसद थे, उन्होंने जयंत चौधरी के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कहेंगे उसको लेकर मलुक नागर जी? देखिए, जैसे मैंने अभी अपने भाषण में बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत लोग अंदर बाहर करते रहेंगे, हमारे सभी समर्थक हमारी बहन जी में विश्वास रखते हैं और उन बहन जी के नाम पे इस बारी वोट डालेंगे, तो हाथी वाला बटन सब लोग दबाने वाले हैं। जिस तरह से सर भाजपा जो है लोगों को अपनी तरफ कर रही है, क्या लगता है विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से लोग जा रहे हैं? देखिए, ईडी और सीबीआई का डर जो विपक्षी पार्टियां बोल रही है वो जब सत्ता में थी तो उन्होंने भी दिखाया था, तो आज इनके लिए तो बस एक ही बात कहेंगे, भाई ये दोनों ये सारे सारी पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इनके लिए अब रोना कि जी वो ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं ये गलत बात है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के लिए हमारी पार्टी से जो बहन जी ने स्टेटमेंट जारी करी है वही हम इसी बात पे। मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई सांसद ऐसे ही ढूंढ के बिखर रहे हैं। अगर कोई यहाँ से गया है तो वो ना कभी बीएसपी का था ना कभी सांसद का। सर, हमारे सारे समर्थक हमारे साथ ही। हम किसी की जिंदगी में हमने कभी कल्टी और आलोचना नहीं की है और आज भी हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। सिर्फ इतना जरूर कहेंगे, कोई प्रत्याशी अच्छा अगर होगा तो इस मंच पर हम राष्ट्र की कौड़ी में करके अपने नेता के सामने ये यकीन और विश्वास की ज्योति को प्रज्वलित करेंगे कि सुरेश उन सबसे अच्छे कैंडिडेट का नाम सुरेश चौधरी है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, सबसे बड़ी चुनौती, एक चुनौती तो है सुरेश से तुम कभी भी किसी वक्त कहीं मिल सकते हो। भाई आकाश आनंद जी, इससे बड़ा साक्षी कोई हमारा नहीं हो सकता है। ये जनता हमारी सर्वोपरि है, यही सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारी हाई कोर्ट भी है और इस चुनौती के साथ कभी हमको आपसे हमसे मिलने में कोई दिक्कत होती है? कभी भी ईमानदारी के साथ बताओ। आज जो भाजपा की प्रत्याशी कोई है आलोचना नहीं है, उनसे मिलने के लिए तुम पहले गंगा जी जाओ और गंगा जल डाल के आओ, तब मिलने जाना पड़ेगा, इतना पैसा किसके पास है। और ये तो गिरिराज की भूमि के हैं और भगवान कृष्ण ने तर्जनी पर गिरिराज को उठाया था और गिरिराज की तलेटी के हैं सुरेश जी, और गिरिराज की तलेटी के होने के बाद आज आदरणीय आकाश आनंद जी तुम्हें पुकारने आए हैं। राधे श्याम जी पूर्व पार्षद सभासद सौ
सांसद महोदय जोरदार तालियों से साथियों आप डॉक्टर एस पी सिंह गांधी जी का स्वागत करें। पूरा परिवार सामाजिक कार्य चेयरमैन तो पहली बार मगर बहुत अच्छा ऐसा पहली बार लोकल भी एवं माननी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। क्या ये मथुरा के लोकल होकर प्रत्याशी कुछ कर पाएंगे क्या मथुरा जिले में? कौन सूरज जी कुछ कर पाएंगे? सूरज जी क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं बता रहा हूँ ये पूरे गांव का अहमवाली ने क्या किया है? ये बताओ 10 साल तक देखते रहते रह गए मटका मटक मटक भाई यहाँ कोई जनता मिल नहीं पाता हमारे बच्चों को एजुकेशन के कागज के लिए पता है दर्शन नहीं होते भाई। ये कम से कम लोकल तो है यहाँ इनके द्वारा हम कभी घंटे कभी मिल जाएंगे जो काम कराना हमारा काम साल में क्या कर शुद्धिकरण था ये भी सब कुछ शहर की रोड हिंदुस्तान की मथुरा ही बात नहीं सारे जहाँ के लोग निधि का जो पैसा आता है सब वापस चला वो 1% काम कहीं नहीं बोल लेती है गाँव नल पानी सूख पड़े गर्मी का पोजिशन है पानी भी नहीं है ये दिखाने के आई लोकल का लोकल लोकल भारी के सबको भगाएंगे जब हमारा कार्य हो साल में देख लिया सब जुमलेबाजी सब जुमलेबाजी काम है डालने कहीं होता है सुप्रीम कोर्ट काम करा नहीं है आपको मालूम है होनी पड़ेगी कहीं ऐसा ना फैसला करना है। ये पहला जो बोला जो आप देख रहे हैं हमेशा बीपी पेट जो करो मशीनों के द्वारा हो पेपर से वोट डाले जाते हैं वो उसमें डालेंगे बंदर मर गए तो गुलाम मिला लोकल का सांसद थी उनके मुकाबले कोई नहीं कर रहा मथुरा की स्थिति देखी जाए किस प्रकार से आज जाके बाहर के लोग बताओ और लोकल को जिताओ आज ये नारा है।
नमस्कार।